कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार। आज हम फिर चर्चा करेंगे हमेशा की तरह अपने दिल से, अपने मन से आपके साथ। और सुनाइए, इन दिनों क्या क्या हुआ, कैसे हैं आप लोग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा सब बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो गणपति महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और उसकी तैयारियाँ शोरों शराबा, उल्लास खुशियाँ, खूब धूमधाम से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ढेर सारे गणपति आते हैं हर एक के घर में अक्सर, और हर एरिया के अपने एक गणपति होते हैं, इसलिए लोग पहले से ही गणपति महाराज को ढोल बाजे गाने खूब तरह तरह के डांस और जोश के साथ लाना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह से शाम तक ये खुशियाँ, ये गणपति महाराज का आना, उनके आगमन को हम भी बहुत ही खुशियों के साथ देख रहे हैं। खूब आवाजें होती हैं बैंड बाजों की आजकल यहाँ। फेस्टिवल का समय है, लोग नए नए वस्त्र बना रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, गणपति जी के तरह तरह के प्रसाद की तैयारियां हो रही हैं। इस बार बहुत ही जोश और उत्साह के साथ गणपति महोत्सव की तैयारियां होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये सब बहुत शांत था। सामाजिक, आपको पता ही है साथियों, सारे कार्यक्रम बंद हुए थे। हम सब इस तरह से परेशानियों में, दुखों में और सवालों में घिरे हुए थे जिसका जवाब हम लोगों को कभी नहीं मिल पा रहा था। अब जाकर लोग निश्चिंत हुए हैं, खुशियों का अब समय आया है। लेकिन मैं यही कहूँगी, आप सब लोग हर प्रोग्राम खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन ध्यान रहे साथियों, कोरोना अभी गया नहीं है, ये हमारे पीछे। आज भी हमारे देश में कभी कभी जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो अक्सर 50 के आसपास डेली लोग मैं देख रही हूँ कि इस दुनिया में कोरोना की वजह से जा रहे हैं। तो साथियों, उन 50 में हमारे अपने ना हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए हमें कोरोना के सारे प्रिकॉशन, सामाजिक उत्सवों में भीड़भाड़ में आज भी लेना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप लोगों के शहरों में क्या चल रहा है, आपके घरों में इन दिनों क्या क्या नई तैयारियां हो रही हैं। हर जगह हर घर कुछ कहता है, हर जगह हर घर से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नयापन महसूस करते हैं और नई नई तरीके ज्ञान को प्राप्त करते हुए ढेर सारी आनंदित रंग बिरंगी रंगों से जैसे कि मन खिल उठा हो, खुशियां प्रदान करते हैं। और सुनाइए साथियों, इन दिनों क्या क्या हुआ। मैं थोड़ी सी व्यस्त थी, बीच में मैंने सोचा कुछ मिनट के लिए आपसे चर्चा करूं, कुछ बातें करो, फिर सोचा काम पहले ख़त्म कर लूं, फिर आराम से आपके साथ अपने दिल से, अपने मन से हमेशा की तरह चर्चा करूंगी। हमारा और आपका रिश्ता छोटा सा नहीं, जीवन की आखिरी सांसों तक का रिश्ता जोड़ा है मैंने। तभी तो मैं कहती हूँ, मैं आपके अपने परिवार के सदस्य और आप सब मेरा अपना भारत परिवार। अब आप मेरे अपने परिवार हैं, तो सोचिए आपसे मेरा रिश्ता आखिरी सांसों तक ही तो है ना। आजकल के इस दौर में अचानक से कभी टीवी मीडिया के द्वारा, तो कभी हमारे अपने जान पहचान के लोगों के माध्यम से हमें कुछ खबरें ऐसी मिलती हैं जब हमारा मन द्रवित हो जाता है, हृदय है ना, मन और हृदय
जब दुखता है तो सोचिए कि वो जिनकी वजह से हमें ये पीड़ा महसूस हो रही है वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम स्थान रखते हैं। बस यही कुछ बातें होती हैं जो हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कोरोना काल के दौरान हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्यापार, बिजनेस या नौकरी, इन सब हालातों से संघर्ष किया और कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था भी कुछ डावाडोल इस तरह रही कि हम सबको इसका सामना करना पड़ा और कर रहे हैं। तो सोचिए साथियों, अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपनी विचारधाराएं, अपनी सोच, अपने कई ऐसे विषय हैं जिनको हमें महसूस होता है कि हम आदान प्रदान करें, जिससे हमें सीखने को भी मिलता है और जो हमारी ज़िंदगी में बड़े काम आते हैं। अक्सर समय के साथ साथ हमें यही शिक्षा तो हिम्मत और हौसले प्रदान करती है ना साथियों। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ, हम आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे, आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार, आपकी गाइडलाइन मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, स्वागत है। आप लोग कमेंट्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, ज़िंदगी ना जाने कब ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी का जो भी लम्हा हमारे साथ है, हम आपस में मिलके अपने उन लम्हों को शेयर करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे अपने साथियों, जब मम्मी थी, पापा थे, तो एक बात अलग थी, क्योंकि हर एक के जीवन में हर एक के पेरेंट्स एक अहम, बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन जब उनका स्थान रिक्त हो जाता है तो उनके दिए हुए संस्कृति संस्कार, उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, मार्ग दर्शन करती हैं। बस उसी तरह आप सब लोग मेरी ज़िंदगी में बेहद महत्वपूर्ण हैं। बस यूँ कहिए साथियों कि ये जो दोस्ती का याराना होता है ना, ये बाजी मार ले जाता है हर रिश्तों से बढ़कर, और आपका और मेरा ये रिश्ता दिनों दिन बेहद मजबूत बने, ऐसा मैं चाहती हूँ। और आप सबका साथ, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, हमारे साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ जुड़कर हम अपने नए विचारधाराओं को, अपनी सोच को और अपने जो भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं, हम आपस में मिलकर करेंगे और ज़िंदगी एक दूसरे के साथ आराम से यूं बीतेगी कि पता भी ना चलेगा कि ज़िंदगी की शाम कितने आराम से, कितने शान से, कितने आलीशान ढंग से एक दूसरे के साथ चर्चा करते करते बड़े प्रेम के साथ संपूर्ण हो जाती है। हम कल फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे कुछ विषय पर, कुछ उन बातों पर जो ज़रूरी है हमें आपस में एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता जोड़े रखने के लिए। कुछ समाज की बातें, कुछ दिल की बातें, कुछ आपकी बातें, कुछ अपनी बातें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा। आप सब अपना पूरा ख्याल रखें और हाँ, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को खुश रखिए और लाइफ एंजॉय करिए। बाय।